कलर पलट कर अच्छे से इनको फ्राई कर लीजिए। फ्रेंड्स, खाना खिलाना डॉट कॉम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं शालिनी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्वाद और सेहत से भरपूर हरियाली कबाब, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है और जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो बिना देरी किए चलिए बनाना शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बनाना हरियाली कबाब। हरियाली कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 200 ग्राम फ्रेश पालक। इसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, पानी से कई बार धोया है और अब हम इसे गर्म पानी में ब्लांच करेंगे और फिर उसके बाद उसका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। यहाँ साथ में लिए है मैंने 1 कप मटर। मटर को भी मैंने ब्लांच कर लिया है और अब इसको भी पीस कर एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। चलिए पेस्ट बनाते हैं। पालक और मटर का मैंने पेस्ट बना लिया है और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। चलिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अब हम एक बोल लेंगे, बोल में डालेंगे मटर का पेस्ट, पालक का पेस्ट, साथ में डालेंगे 2 उबले हुए मैश किए हुए आलू। अब डालेंगे इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/4 के अनुसार नमक, 1 मिर्च पाउडर, ये भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 हरी मिर्च डालेंगे, हरा धनिया, और इसको बाइंड करने के लिए इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स। ये ब्रेड क्रम्स मैंने घर में बनाए हैं, फ्रेश है बिल्कुल, और इसकी रेसिपी भी मैं अगले आने वाली वीडियो में ज़रूर डालूंगी, आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। अब इन सबको हम मिक्स करेंगे। डो तैयार हो गया है। अगर आपको मिक्स थोड़ा पतला लगता है या लगता है कि ये ठीक से नहीं हो रहा है तो आप इसमें 2 चम्मच और ब्रेड क्रम्स मिला सकते हैं या इसमें कॉर्नफ्लोर मिला सकते हैं। अब हाथों को ग्रीस करके इसके कबाब तैयार करते हैं। मैंने मिक्स का थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है और इसको हम गोल करेंगे या आप जैसे भी शेप में चाहें इस तरह से बना सकते हैं। हल्का सा प्रेस कीजिए और इस तरह से इसको रोल कीजिए सरफेस पर, और एक टिक्की की तरह देना है आपको इसको शेप। शेप अच्छी आनी चाहिए इसकी, तब अच्छा लगता है, जिससे और इसको जब आप इसको सेकेंगे तब वो अच्छे से चारों तरफ से सेक भी सकें। इसी तरह से हम अपने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। कबाब हमने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए अब इन्हें शैलो फ्राई करते हैं। ऑयल गरम हो गया है, आप चाहें तो ये इसे घी में भी बना सकते हैं और इससे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब धीरे धीरे इनको हम फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई कर रहे हैं मैंने।
गैस को लो टू मीडियम रखिएगा। दोनों तरफ से अच्छे से इन्हें पलट पलट कर अच्छे से इनको फ्राई कर लीजिए। हल्के हाथों से कीजिएगा, काफी सॉफ्ट है। कबाब हमने दोनों तरफ से बड़े अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। मैं आपको यहाँ एक टिप देना चाहूंगी कि अगर आपको इनका कलर बहुत ग्रीन चाहिए तो आप इसमें पालक और ऐड कर लीजिए, लेकिन इसमें आर्टिफिशियल कलर मत यूज़ कीजिएगा। पालक डालने से एक तो वो हेल्दी भी हो जाएंगी, उनका कलर भी अच्छा हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम इनको निकाल लेते हैं, ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। देखिए कितना अच्छा हमारा कलर आया है, मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कलर नहीं यूज़ किया है और सिर्फ पालक से ही इसका ये कलर आया है। यहाँ पर आर्टिफिशियल कलर अवॉइड ही कीजिएगा। और इसी तरह से हम अपने सारे कबाब फ्राई कर लेंगे। गर्मा गर्म हरियाली कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। चलिए अब इन्हें सर्व करते हैं। हरियाली कबाब को मैंने धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है, आप चाहें तो इन्हें सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चटपटे क्रिस्पी हरियाली कबाब बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आपने जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।